इस लेक्चर दे विच असी लाइन ते फेज क्वांटिटीज इन केस ऑफ स्टार लोड रिलेशनशिप डराइव करांगे। इन दे विच की रिलेशन है लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट, इन दे विच रिलेशनशिप असी फाइंड आउट करना है इस लेक्चर दे विच। सारा नूं पहला असी क्वांटिटीज मार्क कर लिए। इत्थे जिहड़ा करंट फ्लो करेगा लाइन दे विचों, करंट जिहड़ा फ्लो करदे आ उहनूं कहिंदे आ असी लाइन करंट। इहदे च जिहड़ा फ्लो करेगा आई आर रैड वायर दे विचों, येलो वायर दे विचों जो फ्लो करेगा आई वाई, इहदे च जो फ्लो करेगा आई बी ब्लैक। आ तुहाडा स्टार लोड है, ठीक है। ये रैड वायर है, एक की है येलो वायर है, एक की है ब्लैक वायर है, जां ब्ल्यू जां ब्लैक हुंदी है। तां लाइन करंट किन्ना आ गया, आई आर इजिकल टू आई वाई इजिकल टू आई बी इजिकल टू लाइन करंट, ठीक है। जिहड़ा फेज करंट की हुंदा, जिहड़ा इंपीडेंस दे विचों फ्लो करदा, इहदे चों फ्लो कर रहा है किहड़ा करंट है, फेज करंट आई आर एन, आ हो गया फेज करंट। इधरों आई वाई एन न्यूट्रल वल, आई वाई एन, ते इधरों आई बी एन, इहनूं कहिंदे फेज करंट। इधर फिगर तो क्लीयर हो रहा है जिहड़ा लाइन करंट ते फेज करंट की है, इही जिहड़ा करंट है अगे इंपीडेंस दे विचों फ्लो कर जांदा है। ए वाला करंट इस इंपीडेंस चो फ्लो कर जाता है, ए वाला करंट इस इंपीडेंस फ्लो कर सकता। तो इस करके असी डेल्टा स्टार लोड दे विच कह दे हैं लाइन करंट एक दे दो तो क्लीयर है, लाइन करंट कि बराबर है फेज करंट दे। सो लाइन करंट जिहड़ा आई एल सीगा वो कि बराबर है फेज करंट दे, आई पी एच। इन्हां फिगरां तो एक नंबर ते दो नंबर तो क्लीयर ही है भी उही करंट फ्लो कर रहा। सो लाइन करंट इजिकल टू हुंदा है फेज करंट इन केस ऑफ डेल्टा लोड। डेल्टा लोड दे विच लाइन करंट ते फेज करंट की हुंदे आ बराबर हुंदे आ। हुण इहदे बाद की है लाइन वोल्टेज। वोल्टेज बिटवीन एनी टू लाइनस, इस लाइन ते इस लाइन दे विच वोल्टेज, ठीक है, ये होगी तुहाडी वी आर वाई। इस लाइन ते इस लाइन दे विच वोल्टेज की होगी, वी वाई बी। पहली ते तीसरी दे विच की होगी, वी बी आर, ठीक है। ते इहदे च करंट फ्लो कर रहा सीगा आई आर एन, इहदे च करंट फ्लो कर रहा सी आई बी एन, फेज करंट सीगा। इहदे च फ्लो कर रहा सी आई वाई एन। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਫੇਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕਰੋਸ ਨਿਊਟਰਲ ਅਤੇ ਆ ਰੈੱਡ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਰ ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਰ ਐਨ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਵਾਈ ਐਨ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਬੀ ਬੀ ਐਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਈ ਆਰ ਵਾਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਆਈ ਆਰ ਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਆਈ ਆਰ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਰ ਵਾਈ ਸੋਰੀ ਵੀ ਆਰ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਰ ਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਆਰ ਐਨ ਪਲੱਸ ਵੀ ਐਨ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਰ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਆਰ ਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਆਰ ਐਨ, ਵੀ ਆਰ ਐਨ ਪਲੱਸ ਵੀ ਐਨ ਵਾਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਵਾਈ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਆਰ ਐਨ। ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਈ ਐਨ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਵਾਈ ਐਨ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੀ ਬੀ ਆਰ, ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
जी बी बी आर इज इक्वल टू कि बराबर है वी आर एन, बी आर एन प्लस वी एन बी, जहाँ असं लिख सकते हैं वी आर एन माइनस वी एन बी, ये आ गई थोड़ी बी बी आर। ये सेकंड क्वेश्चन होगी। थर्ड क्वेश्चन वी बाई बी येलो तो ब्लैक के बीच है, वी बाई बी ए वाली है, वी बाई बी, वी वाई बी इज इक्वल टू कि बराबर आ गई, ए आ गई वी वाई एन प्लस वी वाई एन प्लस वी वाई एन प्लस वी एन बी प्लस वी एन बी, पर असी वोल्टेज इस डायरेक्शन च लेनी है, इस करके इतने की आ जाऊगा नैगेटिव साइन। वी वाई बी इज इक्वल टू आ गई वी वाई एन माइनस वी बी एन, ये आ गई थर्ड। ठीक है, हुण इस दी असी की है फेजर डायग्राम बनाइए। आड़ी हैगी है वी आर एन, मान लो ये हैगी है वी आर एन, ये हैगी है तुहाडी बी बी एन, तो ये हैगी है मान लो तुहाडी हैगी वी वाई एन, वी वाई एन है मान लो। ठीक, तो साडा जिहड़ा वी आर वाई कहदे बराबर है वी आर एन प्लस माइनस वी वाई एन, वी आर एन माइनस वी वाई एन, वी आर एन तो आ पे, ये असी की करना है माइनस की करना वी वाई एन, इधर नू वी वाई एन पॉजिटिव है तो मैं ये अपोजिट लै लवा, इनू पिछे बढ़ा लैंना मैं। ठीक है, तो यह हो गया थोड़ा वी वाई एन माइनस वी वाई एन। ठीक है, तो साढ़े को एक असी प्लस टू के ला पढ़िया सीगा प्लस वन के, जेकर दो वैक्टर किसी पैरलोग्राम के नाल रीप्रजेंट करते हैं तो वह डायगनल की दिता सूँ, वह रिजल्टेंट दिता, ये असी पैरलोग्राम पूरी कर ली, ये आ पैरलोग्राम असी पूरी कर ली, ए करके पैरलोग्राम पूरी कर ली, तो यह जो डायगनल होएगा, जो यदा डायगनल होएगा वो यदा रिजल्टेंट देगा, यदा डायगनल की बन गया, आदा डायगनल बन गया, आदा डायगनल बन गया, ये की बन गया थोड़ा वी आर वाई, वी आर वाई यदा डायगनल बन गया। तो हुण इहदी वैल्यू कढ़नी है असी, तो वैल्यू कढ़न लई की करिए, ठीक है, इतों आ एंगल सानू पता किन्ने दा सीगा 120 दा, तो आ एंगल किन्ने दा रह गया 60 दा, तो आ एंगल किन्ने दा बन जूगा 30 दा, 30 डिग्री दा हो जाएगा, टोटल 120 सीगा जदों इहनू पिछे वधाया, 60 दा ये हो गया 60 दा ये। ठीक है, तो ये इदू बाद जो डायगनल तो ये किन्ने दा रह गया 30 दा हो गया, तो इतों असी ये उत्ते परपेंडिकुलर ड्रा कर दीए, आदा परपेंडिकुलर ड्रा करता। ठीक है, 30 के सामने वाले एंगल के सामने वाले नूं असी परपेंडिकुलर कहने हैं। ठीक है, 90 के सामने वाले नूं असी हाईपोटन्यूज़ कहने हैं, ये की हो गया तुहाडा बेस हो गया, तां असी आ मान लो ओ है, आ ए है, आ बी है, आ सी है, तो आ डी है, तो असी यदा बेस कढ़ना है ओ डी बटा यदा हाईपोटन्यूज़ की है ओ ए, ये आ गया बेस ओवर हाईपोटन्यूज़, ओ डी की चीज़ है, ओ डी कहदे बराबर आ गया फिर ओ डी इज इक्वल टू आ गया ओ ए, बेस ओवर हाईपोटन्यूज़ हो गया कॉस 30 डिग्री, तां ओ डी किहदे बराबर आ गया, ओ ए दी वैल्यू किन्नी है वी आर एन कॉस 30 हुंदा अंडर रूट 3/2। ठीक है, असी कढ़ना ओ बी, तां ओ बी कहदे बराबर आ जूगा, ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डी, 2 टाइम्स ओ डी की वैल्यू भर दो, ओ डी की वैल्यू किनी है वी आर एन इंटू अंडर रूट 3/2 ओ बी, 2 नाल 2 कट गया,
ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਰ ਐਨ ਇੰਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਵੀ ਆਰ ਵਾਈ। ਓ ਬੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਵੀ ਆਰ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਆਰ ਐਨ ਇੰਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3। ਵੀ ਆਰ ਵਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਕਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਗੀ? ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ। ਵੀ ਆਰ ਐਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ। ਵੀ ਪੀ ਐਚ ਇੰਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਟਾਈਮਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ? ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਫੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ। ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਫੇਜ਼ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟਾਰ ਲੋਡ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਕਰੰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ।